क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस फिल्म के बारे में? सबसे पहले भोजपुरी बातें देखने वाले सभी दर्शकों को ऋतु सिंह का प्रणाम। और लंका में सीता आज उसका ट्रेलर लॉन्च है और कहूँगी कि बहुत अच्छी बहुत प्यारी फिल्म बनी है। आप सब जाके अपने यूट्यूब चैनल पे देखिएगा, ज़रूर क्लिक कीजिए और बताइए कि कैसी लगी। किस तरह का कैरेक्टर है आपका इस फिल्म में? लंका में सीता, जो सीता कैरेक्टर है वो मैं कर रही हूँ और बहुत सिंपल सा और सुलझा हुआ कैरेक्टर है। बहुत चुलबुला कैरेक्टर भी है, जब वो हंसाएगा गुदगुदाएगा और एंटरटेन करेगा। ये साउथ के डायरेक्टर ने इसको शूट किया है और कितना डिफरेंट है भोजपुरी के डायरेक्शन में काम करना, साउथ के डायरेक्शन में काम करना, कितना डिफरेंट था, कैसा एक्सपीरियंस था, कुछ बताइए। एक्सपीरियंस क्या होता है कि डायरेक्टर जब नए फिल्म मेकर के साथ काम करते हैं तो उनका स्टाइल नया होता है, कुछ इम्प्रोवाइजेशन मतलब खुद से कुछ चीज़ें ऐड करके किरदार में करना, कुछ लोग चाहते हैं कुछ लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन सुब्बा सर के साथ ऐसा था कि उनका सब कुछ प्लान्ड था ऑलरेडी, उनको कट टू कट जो वर्ड्स चाहिए था, जो डायलॉग्स चाहिए था, उनको एग्जैक्ट वही चाहिए था। तो कट टू कट वो राइटर भी है इस फिल्म के, हालांकि तो इन्होंने जैसा उन्होंने स्टाइल दिया है फिल्म में आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत बखूबी खूबसूरत है। नो डाउट डायरेक्शन में क्या चेंज होता है? कुछ चेंज नहीं होता है। आप वही बता रही हूँ मैं कि ग्राफ और स्टाइल मिलता है आपकी फिल्म को, चाहे वो साउथ सुब्बा सर ने अपना स्टाइल दिया है फिल्म को, अपने अपने स्टाइल में फिल्म बनाई है, तो आपको एक फिल्म स्टाइल में एक होता है ना, एक बैकग्राउंड मिल जाता है, तो दैट्स द स्टाइल। तो आप साउथ स्टाइल में फिल्म में आपको एक्शन देखने को मिलेगा, गाना सीन करने का फ्रेमिंग डिफरेंट मिलेगा, तो वो अलग है जो वही साउथ स्टाइल में पैटर्न में बना हुआ है। लंका में सीता कुछ यूनिक नाम है, ये किसने सजेस्ट किया? सजेस्ट ये फिल्म मेरे पास आई थी और लंका में सीता तो ऑलरेडी डिसाइडेड था, उनको ये ट्रेलर मिल चुका था, ये टाइटल मिल चुका था, तो ये इम्प्रेसिव है नो डाउट। और बहुत सिंपल है, बहुत पौराणिक हमारी ये बातें हैं, रामायण का एक हिस्सा है लंका में, लंका रामायण का हिस्सा है, सीता रामायण के हिस्सा है, तो वहीं से लिया गया है, अडेप्ट किया गया है, उसको पिरोया गया है अपने स्टाइल में। तो सिनेमा अगर वही है जो पारिवारिक फिल्म बने और फुल एंटरटेनमेंट हो, जो आपको हंसाए गुदगुदाए थोड़ा रुला जाए थोड़ा सा अपनी छाप छोड़ जाए, दैट्स कॉल्ड लंका में सीता। जी कितना चैलेंज था इस कैरेक्टर को निभाना आपके लिए? सीता का कैरेक्टर हो जाता है, लेकिन सीता का कैरेक्टर निभाना जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर, बिल्कुल बिल्कुल कितना चैलेंज था, कितना डर था? डर तो रहेगा क्योंकि सीता माता हम मानते हैं, हम पूजा करते हैं, और वो किरदार अपडेटेड है और फुल एंटरटेनमेंट फिल्म में हीरोइन है, तो वो किरदार को मेंटेन करना कुछ ऐसी चीज़ें, हालांकि मैं ड्रेसिंग फुल ऑन वैसा ही है फिल्म में, पूरी फिल्म में मैंने इंडियन पहना हुआ है क्योंकि फिल्म है, तो फिल्मी लिबर्टी लेते हुए हमने गाने में कुछ वेस्टर्न डाला हुआ है। लेकिन सीता जब हमने नरेट किया गया था, सर ने मुझे किया था, तो मैं बहुत डर रही थी कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए और इस किरदार को मैं निभा पाऊंगी कि नहीं, बट बहुत साधारण बहुत शालीनता के साथ बहुत सोफेस्टिकेटेड कैरेक्टर है, तो बहुत करने में अच्छा लगा और डिफरेंट मज़ा आया। आंध्र प्रदेश में शूटिंग हुई है, यानम एक जगह है, तो वहाँ पे शूटिंग हमने करा है। डायरेक्शन साउथ के डायरेक्टर ने किया है, लेकिन है ये फिल्म भोजपुरी। हाँ तो कितना चेंज है इस फिल्म में और जो भोजपुरी फिल्में होती हैं उसमें और इसमें कितना चेंज है? देखिए सुब्बा सर आज के डायरेक्टर नहीं है, सुब्बा सर बहुत पुराने डायरेक्टर हैं और उन्होंने काफ़ी फिल्में कर रखी हैं, दिनेश जी को लेके और परवेश लाल जी को लेके काफ़ी फिल्में उन्होंने की हुई है, अमृतपाली जी को लेके, तो इनका अपना एक स्टाइल है। मैं फिर से बोल रही हूँ भोजपुरी से ही है, उन्होंने भोजपुरी पहली फिल्म नहीं करी है, और लंका में सीता आपका मैं बता दूँ साउथ में भी रिलीज़ होने वाली है और भोजपुरी में भी रिलीज़ होने वाली है, तो एक दोनों एक बहुत एक लैंग्वेज है, एक अपना एक जो क्या बोलते हैं, एक अपने ट्रेडिशन को जो दिखा रहा है प्रेजेंट कर रहा है वो लैंग्वेज है, तो बस बोलूंगी कि आप वेट एंड वॉच। रितु
सीन भोजपुरी से हटके भी किसी अदर रीजनल फिल्मों में या हिंदी फिल्मों में या साउथ फिल्मों में नजर आएंगे? अभी हाँ, वेब सीरीज मैंने करी है, संयम अगन पहलवानी में आपका केस सिरा सिरा से रिलीज है हंगामा प्ले पे, और थोड़ी सी शादी कर ले भी रिलीज है हंगामा प्ले पे, सब बता दूँ मैं आपको, जिसके आपके विजय के सैनी डायरेक्टर हैं एंड विजय जी इस फिल्म के जो मेकर हैं इस वेब सीरीज के, तो आप वेब सीरीज में भी कर रही हो और क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन भोजपुरी में वेब सीरीज बन रही है, भोजपुरी में भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आपको मिले और आप करें? एक होता है कैरेक्टर की लाइफ में एक आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि ऐसा कैरेक्टर मिले तो आप या किसी की बायोपिक या कुछ भी, जैसे किसी ने बहुत सारे किरदार हैं यार, बहुत सारे हैं जो अभी तक आए ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे किरदार हैं, जैसे एक्शन को उठा लीजिए, कॉमेडी को उठा लीजिए और साइलेंट उठा लीजिए, बहुत सारे किरदार हैं फिल्में करने के लिए, तो मेरी भी है, मैंने कभी करा नहीं है, कर रही हूँ, आगे से कई किरदार हैं जो मैंने कभी किया ही नहीं है, तो करेंगे। और हाँ बिल्कुल, मैं बहुत मुझे बायोपिक मिलेगी तो ज़रूर करूँगी, मेरा सौभाग्य होगा। हाँ नहीं, बहुत सारे मैंने इवन बहुत सारे लोग हैं, नेता हो या कोई, हाँ पॉलिटिशियन हो या कोई ऐसा कह सके हैं जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कर्तव्य निभाया है, जिसका इम्प्रेसिव कैरेक्टर है ऑल ओवर हमारे, तो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये हमारा फुल नेगेटिव ना हो, सबको ध्यान में रखते हुए करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बायोपिक जैसे गंगूबाई आई थी तो करेंगे ऑब्वियस, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकती बिकॉज ये है कॉल मेकर्स का, तो लेट सी कि उनका ऐसा कॉल आता है मैं करूँगी सोच समझ के। नहीं अभी सोचा नहीं है, बट लेट सी, मैं बहुत सडन प्लान करती हूँ, ये भी है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप आइए फिल्म देखने के, बिकॉज ये फैमिली ड्रामा है और फुल एंटरटेनमेंट है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि आप फैमिली अगर फिल्म देखना चाहते हैं, परिवार के साथ फिल्म, एक साफ सुथरी फिल्म देखना चाहते हैं जो आपको गुदगुदाएगी, एंटरटेन करेगी, हंसाएगी, और अगर फुल एंटरटेन होना चाहते हैं तो एक बार ये फिल्म जरूर देखिए, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि फिल्म कैसी बनी है, और फिर सबके साथ मिलकर एक बार और देखिए। थैंक यू। लंका में सीता क्या कहना चाहेंगे आप, और इसमें आपका किस तरह किरदार ठीक था, कुछ सबसे पहले जो भोजपुरी बात है कि जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार सलाम। और फिल्म का टाइटल जो है वो हमारे इंडियन कल्चर बेस पे है, लंका का सीता, तो जहाँ पे हम अपने रिलीजन्स को लेके चलते हैं ना वहाँ हमारी फिल्में अच्छी बनती हैं। और आप हमारी फिल्म का ट्रेलर देखिए, 25 तारीख को हमारी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो रहा है, आपको अच्छा लगेगा, और जितने भी दर्शक हैं हम चाहते हैं कि वो हमारी फिल्में देखें जाएं, 25 नवंबर को सारे हिंदुस्तान में ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। निसार खान साहब आपका इसमें किस तरह कैरेक्टर है? मैं नायक हूँ इस फिल्म का, और लंका में सीता टाइटल है, और बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग जाइए देखिए, कुछ सस्पेंस है, अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप लोग देखोगे नहीं। फिल्म ट्रेलर देखिए, उसमें कमेंट कीजिए कि आपको मेरा काम कैसा लगा, आपको फिल्म कैसी लगी। अपहरण आपने ही तो नहीं किया कहीं इस फिल्म? नहीं नहीं नहीं, हमने अपहरण नहीं किया है, रावण ने किया है अपहरण, बट कोशिश किया है कि राम जी का रूप लेके या उनका एक छोटा सा अक्ष लेके हम उन जैसा बन सके। राम जी के कैरेक्टर को निभाने के लिए कितना भय था, कितना डर था, क्योंकि बहुत बड़ी? नहीं, राम जी का कैरेक्टर निभाने के लिए कोई भय नहीं चाहिए, एक राम जी तो वैसे भी कल्याणकारी हैं जो कल्याण करने के लिए आए थे, तो आप अगर उनके कदमों पर चलोगे तो आप वैसे ही हो जाओगे, तो मन को शांत रखिए और ऊपर वाले का नाम लीजिए और काम कीजिए। कितनी उम्मीदें हैं फिल्म से? हाँ मुझे बहुत उम्मीदें हैं, और मुझे लगता है कि दर्शक जैसे पहले फिल्मों को मुझे प्यार दिए हैं, इस फिल्म को भी देंगे, उससे ज़्यादा देंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब से कि आप लोग प्लीज़ 25 तारीख को जाइए अपनी फिल्म नज़दीकी सिनेमाघरों में और इस फिल्म को देखिए। के साथ में कैसी केमिस्ट्री थी? बहुत अच्छी है, एक तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत फंबल भी हैं,
मतलब चीज़ों को लेके चिड़चिड़ा जाती हैं, बट सेट पे जब काम करने का टाइम आता है ना तो बहुत मतलब घुल मिल जाती हैं, फिर नहीं लगता है कि आप उनके पहली बार काम कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके उनके साथ। डायरेक्शन की अगर बात करें तो साउथ के डायरेक्टर इन्होंने कहा दो तीन और भी हम सुब्बा राव जी की बात करें फिल्म की डायरेक्शन की, तो वो तो मेरे आइडल डायरेक्टर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, डिसिप्लिन सीखने को मिला, बहुत चीज़ें मिला। तो थैंक यू सर, आई लव यू। बट मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं, मैं चाहता हूँ कि सर आप लोग सब जाइए इस फिल्म को देखिए, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। अभी मेरी एक दो फिल्में आने वाली हैं, डिस्को राजा मेरी फिल्म आ रही है, एक मेरी फिल्म तेलुगु आ रही है, कैश आ रही है, तो इस तरह की दो तीन मूवियाँ हैं, और जब भी वो आएंगी तो आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। तो अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिए। मैं कुछ है जो मुझे लगता है कि हाँ है, मुझे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो करना है, जैसे कि कोई एक अच्छा डायरेक्टर मिले जो एक्टिंग बेस्ड फिल्म हो, तो मैं वो कैरेक्टर करना चाहूँगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। लंका में सीता किस तरह की फिल्म है और आपका इस फिल्म में क्या कैरेक्टर है, क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मैं साइना सिंह, और लंका में सीता एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, और मैंने बस एक कैमियो किया है, एक सॉन्ग किया है मैंने गेस्ट अपीयरेंस में, बट यू नो ओवरऑल जो हमारी पिक्चर है, ओ माय गॉड, मैंने अभी ये ट्रेलर देखा है, सबने देखा है, बहुत कमाल की पिक्चर है। साउथ के डायरेक्टर हैं, इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं, तो कितना डिफरेंट था भोजपुरी और के डायरेक्शन में और साउथ के डायरेक्शन? जमीन आसमान का फ़र्क है साउथ के डायरेक्शन में काम करने में और भोजपुरी के डायरेक्शन में काम करने में, हर एक चीज़ में। यहाँ बस आप आओ, काम करो, चले जाओ, बट साउथ में क्या होता है, एक एक चीज़ पे काम होती है, एक एक चीज़ पे। आप समझ सकते हो ये 26-27 दिन का ये शूट है ये फिल्म की, तो आप इसकी मेहनत समझ रहे हो कि ऐसा नहीं है सिर्फ 10-12 दिन में शूट कर लिया, तो एक एक चीज़ पे वर्क करते हैं और टाइम टेबल बहुत मायने रखता है उनके लिए। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। कुछ डांट वांट खाने को थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही बट बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला सर के साथ काम करके, सुबह राव सर के साथ, और एक अलग अनुभव था क्योंकि जितने टेक्नीशियन थे सब साउथ के थे, आई मीन कोरियोग्राफर, मतलब हर एक टेक्नीशियन, तो बहुत मज़ा आया, कुछ नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आगे चल के हम कभी भी कुछ और बड़ा अगर काम करते हैं तो एक एक्सपीरियंस मिला है हमें, थोड़ा सा डिफरेंट। मतलब केमिस्ट्री कैसी थी शूटिंग के टाइम पे, केमिस्ट्री की बात करें? किसके साथ? पूरी टीम के साथ बहुत अच्छी साथ थी, नहीं बहुत अच्छी थी। मुझे तो पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने सुबह राव सर के साथ फिल्म किया, मैं काफ़ी टाइम से उनको फॉलो कर रही थी, यू नो कि काम करे, तो उन्होंने बोला यू नो एक गाना है, एक सीन है, तो भी मैंने बोला ओके फाइन, मैं करूँगी, और मैंने किया, और केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, और डायरेक्टर के साथ तो बहुत ही बढ़िया थी, कोरियोग्राफर के साथ अच्छी थी, इवन हीरो के साथ भी बहुत अच्छी थी। गाना आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी केमिस्ट्री कैसी है। नहीं आइटम सॉन्ग नहीं, इज़ अ कॉलेज सॉन्ग, हम गेस्ट अपीयरेंस गाना है, हम कॉलेज में मिलते हैं ना, एक कॉलेज में पढ़ाई करते दिन वो गाना होता है, क्योंकि अब आइटम का चलन भोजपुरी में ख़त्म हो चुका है, तो अब आइटम नहीं है इसमें। गाने के अलावा भी आपका नहीं ऐसा कुछ नहीं, जस्ट लाइक अ कैमियो, ये फिल्म की स्टार्टिंग में ही एक सीन आएगा जिसमें रेस कॉम्पिटिशन होता है और हमारा एक गाना आएगा, दैट्स इट, इतना ही किया है मैंने। बट ओवरऑल फिल्म बहुत बहुत अच्छी है, और वही ऑफकोर्स वही राम है, वही सीता है, वही रावण है, बट अपडेट है, न्यू वर्जन है इसका, आप जाके प्लीज़ देखिए, आपको मज़ा आएगा। नहीं अभी अभी थोड़ी भोजपुरी सुधर गई है हमारी, क्योंकि पहले क्या था, कुछ भी करते थे और वही दो चार चीज़ें मिक्स होके शूट करते थे, अब वैसा नहीं है, अब हम डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं भोजपुरी में, हो भी रही है भोजपुरी फिल्म में, अश्लीलता अब एल्बम में है, भोजपुरी फिल्मों में नहीं है, गाने बहुत सोबर बनते हैं भोजपुरी फिल्मों के, और ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये साउथ के डायरेक्टर ने डायरेक्शन किया है इस फिल्म को, इसमें आधे से ज़्यादा आर्टिस्ट भी साउथ के हैं, तो ये इसकी प्लस पॉइंट है, और स्टोरी तो माई गॉड बहुत कमाल की है, आप देखने जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि एक सेकंड के लिए भी आप बोर होने वाले हो, तो प्लीज़ जाइए और देखिए, आपके नज़दीक में जो भी थिएटर है 25 तारीख को, इसी 25 को रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ जाइए आप लोग एक बार। थैंक यू।
इसका मतलब शायना सिंह जो सीधा साउथ में नजर आने वाले आई होप सो क्योंकि ये फिल्म तेलुगु में भी डबिंग है इसकी, ये भी सारी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है पिक्चर. ऑफ कोर्स मैं करना चाहूँगी यू नो साउथ में, बट बहुत मुश्किल है, बट ठीक है कोशिश करेंगे. भोजपुरी से अगर निकल के हिंदी में और भी रीजनल सिनेमा है उसमें अगर कोई मौका मिलता है तो? मुझे लगता है हिंदी का मुझे कोई क्रेज़ नहीं है, सीरियसली मुझे हिंदी करने में इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मुझे नहीं करना है हिंदी. अगर मैं एक्चुअली आप पूछेंगे कि मुझे क्या पसंद है, तो मुझे ऑफकोर्स भोजपुरी तो हमारी लैंग्वेज ही है, मेरी मातृभाषा है, ऑफकोर्स हम भोजपुरी करेंगे. बट अगर कहा जाए तो मैं साउथ करना पसंद करूँगी. साउथ में तमिल, तेलुगु, कन्नडा, मलयालम, बहुत सारे लैंग्वेज है जो बहुत ग्रो कर रहे हैं. एक आर्टिस्ट चाहता है कि वो अच्छा काम करे, सिर्फ ये नहीं कि हाँ ठीक है पैसे तो सेकंड है. वेब सीरीज का बहुत चलन हो गया है, कितना आर्टिस्ट के लिए वेब सीरीज के बाद काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार फ़ायदा तो मुझे कम ही नज़र आता है ओटीटी का, नुकसान ही बहुत ज़्यादा है. पहले अजीब सी वेब सीरीज आती थी, अभी भी मतलब कुछ अच्छी वेब सीरीज भी है, ऐसे नहीं कि सब वही आती है. नहीं हाँ है, लेकिन क्या है कि ओटीटी के चक्कर में आज जो थिएटर मर गया है, भोजपुरी की तो बात ही छोड़ दो आप, हिंदी में भी कोई फिल्में नहीं चल रही, तो ओटीटी अब सबको मिल ही जा रहा है 200 में, यू नो एक महीने देखो, तो क्यों जाएंगे 500 देख के थिएटर में फिल्म देखने, नहीं जाएंगे. होने चाहिए, सिनेमा पे बहुत फर्क, बहुत बहुत फर्क पड़ता है लॉकडाउन के बाद, ये चीज़ें हो गई हैं. पब्लिक तक पहुंच रहा है, लेकिन फिल्म जो होती है ना वो थिएटर में देखनी चाहिए, थिएटर की चीज़ें होती है. ये वो छोटा सा वो फ़ोन में देख के आपको वो मज़ा, वो अनुभव नहीं मिलेगा जो थिएटर में देख के मज़ा आता है. एज अ अगर मैं चाहूँगी कि मेरा फ्यूचर इसी में हो, मैं हीरोइन बनूँ, हीरो बनूँ, जो भी बनूँ, तो ऑफकोर्स एक सपना होता है कि मेरी फिल्म हॉल में लगे और पब्लिक देखे उसे, तो बहुत नुकसान है मेरे हिसाब से, तो बहुत नुकसान है ओटीटी का. दिल में ऐसा कौन सा कैरेक्टर होता है जो उसको मौका मिले और वो करे? हाँ मेरे दिल में, मेरे दिल में ऐसा होता है ना, हाँ दिल में कि कोई मेरे को ऐसा किसी की बायोपिक या कोई ऐसा कैरेक्टर जो नेता हो, पॉलिटिशियन हो, या बहुत बड़ा कोई फिलोसफर हो, तो कुछ ऐसा अगर अभी तो फिलहाल बस ये ऐसा कुछ उतना ज़्यादा, तो पहले तो मौका मिलना ही बहुत मुश्किल है किसी भी इंडस्ट्री में, बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके ताता, ताया, चाचा, मामा, मौसा ये होना चाहिए इंडस्ट्री में, तो आप कुछ करोगे नहीं, तो अदरवाइज बहुत स्ट्रगल है सबके लिए, ऐसा नहीं है. बट ये एक तो सबसे पहले आपको मौका मिलना इंपॉर्टेंट है, फिर आप टैलेंट दिखाओगे. आपको जुनून है, जुनून नहीं होता तो इतने साल से टिके नहीं होते, काम नहीं करते. लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको एक्चुअली रियल मौका नहीं मिलता. ऐसे लोगों को मौका मिलता है जो आते हैं, आती हैं, शादी करके सेटल हो जाती, चली जाती दो फिल्म करके. तो ऐसे लोगों पे मौका वेस्ट करने से अच्छा आप उनको मौका दीजिए जो काम कर रहे हैं मार्केट में, ना कि आके दो फिल्में की और शादी कर लिया, वो गया ना, वेस्ट है. मेरे कहने का मतलब ये, मुझे लगता है, आई डोंट नो क्यों, जरूरी नहीं कि जो मुझे सही लगे वो लोगों को सही लगे. मैं बस एक अच्छी फिल्म करना चाहती हूँ जिसमें सिर्फ मैं आऊँ और नाचूँ और गाऊँ और जो डायलॉग रहूँ और चलूँ जाऊँ, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं करना चाहती. मैं चाहती हूँ कि मेरी जो मेरा जो एक्टिंग है, जो मेरा काम है, वो ऑडियंस तक पहुँचे. सिर्फ हीरोइन एक्सपोज करने के लिए ना हो, काम करने के लिए भी हो. जैसे अभी यशोदा पिक्चर आई है समंता की, आप जाके देखो क्या पिक्चर है यशोदा, यू नो समंता, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं हो तो वैसी ये नहीं कि फिल्म सिर्फ नहीं देखूँ, बट हाँ एक अच्छा कैरेक्टर हो, अच्छा रोल हो जो ऑडियंस तक पहुंचे, ना कि मैं वही एक गाना करूं, दो गाना करूं या पांच गाना करूं, सिर्फ गाने में मैं देखूं और उसके बाद मैं गायब, ऐसा रोल नहीं करना चाहती मैं. फिल्म में ऐसा क्या खास है जो ऑडियंस को टच करेगी और ऑडियंस आएगी देखेगी? लंका में सीता, इसमें खास ये है ना, एक तो ये साउथ के डायरेक्टर ने बनाई है, और आपको पता है आज भी, आज तो साउथ का ऐसा दौर चल रहा है कि सबको साउथ की फिल्में पसंद आती है, तो वो इसमें टच करने वाली बात ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे ना सीक्रेट कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली आपको शॉक देंगे, ओ माय गॉड ये है, ये इसने ये किया, और एक सेकंड के लिए आप बोर नहीं होने वाले हो. एक्शन ज़बरदस्त है, कॉमेडी है, और एक सोशल मैसेज भी है जो एक्चुअली फिल्मों के ज़रिए होना चाहिए. यू नो फिल्म हम देखते हैं वो हमारे लिए एक आईना है, तो बहुत क्या मैं बोलूँ, तारीफ शायद शब्द कम पड़ जाएगी, बट पिक्चर आएगी एक बार तो ट्राई करना चाहिए आप सबको. और कुछ आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं? जी मैं कहना चाहती हूँ, अभी मेरी बहुत ही जल्दी एक और पिक्चर में मैंने एक ही गाना उसमें भी किया है, अघोरी फिल्म का नाम है,
यश मिश्रा हीरो है, राजू सर डायरेक्टर है, बहुत कमाल की, वो भी बहुत यूनिक फिल्म है, बट उसमें भी आइटम नहीं है, वेलकम सॉन्ग है, इट्स अ ग्रैंड सॉन्ग। और अभी मेरी एक फिल्म आ रही है ड्रामेबाज दमाद, एक हीरोइन निधि जी हैं, एक मैं हूँ, वो भी बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, उसके डायरेक्टर इमायराज सर है, प्रोड्यूसर आर पी यादव जी हैं, और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इस साल आने वाली है हमारे। ऑफर्स नहीं आ रहे, एक्टर बुरी है नहीं नहीं, मैं डांस ठीक ठाक है, एक्टिंग भी ठीक ठाक है, प्रॉब्लम वो नहीं है। मैंने क्या बोला, आपका चाचा दादा होना चाहिए इंडस्ट्री में, सो नहीं है हमारा तो आई मीन अगर आपको आप काम बार, करना बार, है आप बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि दादा कुछ ऐसा मतलब हुआ है? नहीं नहीं एक्चुअली भाई आपका बैकग्राउंड फिल्मी नहीं है तो आप नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत लड़की मतलब होता है। आपने मुझसे पूछा ना कि यू नो आपको सॉन्ग क्यों, क्योंकि क्या है कि अब हीरोइन या तो इसकी या तो उसकी मार्केट की या तो फलन जो भी रीजंस है, तो अब मुझे जो मिल रहा है मैं करूँगी ही ना, चलो मैं एक ही गाने में दिखाऊंगी मेरा परफॉर्मेंस क्या है, मेरा डांसिंग लेवल क्या है, जो भी है तो मैंने किया। अब मुझे सुबह जी के साथ काम करना था, तो अगर मैं ये चांस मिस करती तो मेरी गलती होती। कुछ तो है, आप बोलना नहीं चाहते बट दिल में है क्या ऐसा कि मतलब फैमिली बैकग्राउंड अगर नहीं है? नहीं नहीं मतलब तो उसको मौका जल्दी से नहीं मिलेगा बैकग्राउंड नहीं, इंडस्ट्री में गॉडफादर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, विदाउट गॉडफादर आपको बहुत मुश्किल करना पड़ता है। आप बोल रहे हैं ना कि क्यों आपको एक एक गाने, इसलिए मैं एक एक गाने कर रही हूँ क्योंकि गॉडफादर नहीं है। अगर गॉडफादर होता तो शायद मैं भी एक अच्छी बेहतरीन फिल्मों में हीरोइन होती या सेकेंड लीड, और ये सब नहीं करना पड़ता, बट इट्स ओके, ये मैंने अचीव किया है, किसी ने मुझसे दिया नहीं है, ये मेरी मेहनत है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि जो मैं कर रही हूँ। अच्छा, एक्टिंग ज़्यादा बेहतर है आपकी या डांस? दोनों दोनों क्योंकि मैं एक्टर भी अच्छी हूँ और डांस तो है ही अच्छा। मैं डांसिंग में ज्यादा मौका मिल रहा है एक्टिंग में? हाँ, अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, डांसिंग में मौका मिल रहा है एक्टिंग में नहीं, आई होप कि वो भी एक्टिंग में भी मौका मिले बहुत जल्द मुझे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन तीनों का एक एक करके आइए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम रागिनी चौरसिया है। हेलो नमस्ते, मैं पार्थ मिश्रा। हेलो नमस्ते, मेरा नाम सिंगर वी नागेंद्रा। लंका में सीता किस तरह कैरेक्टर है आपका, सबसे पहले आप बताइए आपका इसमें किस तरह कैरेक्टर है और क्या है फिल्म? फिल्म तो काफ़ी अच्छी है और पूरा साउथ का मतलब फ्लेवर है फिल्म में, म्यूज़िक एक्शन सॉन्ग्स सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी, एकदम साउथ का फ्लेवर है। और मेरा जो इसमें कैरेक्टर है वो एकदम चुलबुली टाइप है और सिस्टर का कैरेक्टर है, हीरो जो हैं वो मेरे भैया हैं, और जो हीरोइन है रितु जी वो मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं फिल्म के अंदर। तो आपके जरिए हीरो ने हीरोइन को अपने कब्जे में कर लिया है? हाँ, कर लिया मेरे भाई ने जी। मेरा कैरेक्टर इसमें हीरो फ्रेंड का है एज इट इज़, जैसा कि आप लोग नाम सुन ही रहे हैं लंका में सीता, तो आपको ही मालूम है सीता गई थी लंका में तो क्या हुआ था, फ्रेंड लोग क्या किए थे, तो वैसा ही कुछ हम लोगों ने भी किया, हम भी थे फ्रेंड, ये भी थे फ्रेंड, तो ये हीरोइन की फ्रेंड है और आप हीरो के फ्रेंड है, तो आप यहाँ डाका डालेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, डाका वाका नहीं डाल रहे हैं। फिल्म एक अलग तरीके से है, बहुत बेहतरीन फिल्म है। कॉन्सेप्ट का अगर देखा जाए तो प्लॉट भले लंका रामायण सीता से मिलता जुलता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, उसको मॉडर्नाइज करके और बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको आप लोग मूवी में देखेंगे तो काफ़ी इंटरटेन होंगे, कॉमेडी से लेके एक्शन एक्शन भी सब है, भरपूर है, सॉन्ग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरटेन करेंगे। आपका कैरेक्टर किस तरह? हम भी हीरो फ्रेंड में ही हैं, तो ये मूवी जो है बहुत अच्छी मूवी है और हमारा जो मतलब कैरेक्टर है कि मतलब लंका में सीता है, अब उनको बचाने के लिए तो हम बानर को तो जाना ही पड़ेगा ना तो हम भी जाते हैं, करते हैं, जो भी है, पूरा तो नहीं बोल सकते हैं, फिर भी आप देखेंगे तो जरूर मालूम पड़ेगा मतलब मूवी किस तरीके की है। आप भी हीरो के फ्रेंड हैं? जी, हीरो के फ्रेंड से। फाइट तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, हम दोनों फाइट नहीं होते, हम लोगों को खाली बस मार ही पड़ती है बस, हम ना बानर है हम लोग, नहीं खाली फ्री फंड में मजा मारे कोई और ये आर्ट में करने में हम लोगों को तो रियल भी लग गई है बहुत बार। अच्छा, मतलब एक्शन जो वहाँ के
डायरेक्शन में कुछ अलग है वो जो रियल, उसके बारे में कुछ बताइए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए कि भोजपुरी जो है बेसिकली सर आप डायरेक्शन में और उनके आपको में एक बात बताना चाहूंगा, ये जो हमारे सुब्बा राव सर जो भी मूवी बनाते हैं हर एक मूवी में इनका टैलेंट अलग होता है, पूरा साउथ लेवल जाता है। भोजपुरी वाले हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज क्या है मालूम है, अगर एक मूवी कोई बना दिए वो अच्छा चले गया तो उसी के लेवल पे फिर दूसरा जना मूवी बना देते हैं दूसरे लोग, तो वो चीज़ नहीं चलेगा। अगर अपना पहचान अलग बनाना हो, करना हो काम कुछ भी, तो अच्छी कला अच्छी चीज़ अलग से लेके आना पड़ता है। और जो हमारे सुब्बा राव सर में हैं उन्होंने अपनी पहचान इसलिए अलग बनाई है क्योंकि उन्होंने काम ही अलग करते हैं। पहचान ऐसा होना चाहिए सर, अपना काम बोलना चाहिए, पब्लिक नहीं इंसान नहीं। अच्छा तीनों लोग इंटरव्यू तो एक साथ दे रहे हैं, सेट पे भी तीनों का कोई ऐसा एक सीन है कुछ ऐसा है, केमिस्ट्री ठीक है? हाँ है, 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 हम लोग का हाँ, साथ सीन है, हमारा बहुत सारा सीन। हमारे दोस्त की बहन रहेंगी तो घर तो जाएंगे ही हम लोग, गड़बड़ है? नहीं नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है हमारा, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं। किसका फायदा हुआ किसका नुकसान हुआ? नहीं एक्चुअली देखिए किसी का फायदा नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ सब एक यूनिट बन के एज अ फ्रेंड्स हमने बहुत सपोर्ट किया सीन करने में, है ना, सारी चीजें अच्छे से मैनेज करके मिला जुला के काम करना। टेक्निकली बहुत साउंड है, आप जान ही रहे टेक्निकली बहुत साउंड है, तो टेक्निकली बहुत अच्छी फिल्म बना रही है। ये आए आपने तो अपनी फ्रेंड से अपने भाई का मामला करवा दिया है, अब ये इनका कुछ ऐसा लग रहा था कि आ रहे हैं तो देख रहे हैं मेरे को, कुछ ऐसा कुछ था सीन? नहीं ऐसा कुछ सीन नहीं था बिल्कुल भी, फ्लर्ट तो था ही नहीं फिल्म में, मतलब मेरा इनके साथ, मैं भी भाई ही मानती थी इनको फिल्म में। है क्या भाई? नहीं नहीं और कोई भाई बहन हम लोग नहीं थे। अरे अरे क्या बात कर रहे हैं, मतलब भाई ही मानती थी मैं फिल्म में, फिल्म के अंदर में कोई भाई बहन नहीं थे, मतलब कुछ नहीं बस फ्रेंड थे और हम लोग घर पे आते जाते रहते थे, मतलब कोशिश करते थे कि कुछ मतलब दाल बन जाए। हम लोग का जो भी दाल था जो अपनी फिल्म साइना जी है, साइना जी है उनके पीछे हम लोग रहे हैं, मतलब थे गाने के लिए आई थी उनके साथ, साइना जी के पीछे ही पड़े हुए थे उनके साथ, दाल गलाना चाहते थे सब लोग। उन्होंने आपको टहलाया या आप लोगों ने उनको? नहीं उन्होंने बहुत टहलाया, कुछ पैसे लिए लेकिन टहला के पूरे यानम और आंध्रा का वाटर पिला दिया उन्होंने, इतना टहलाया। बेसिकली केमिस्ट्री जो थी पूरे सेट पे अलग थी, मतलब यहाँ से हटके थी, सब न्यू एक्सपीरियंस था पूरा। हाँ बहुत अच्छा था, बहुत कुछ काफी अच्छे फिल्म के अंदर काफी अच्छे लोकेशंस भी हैं, गोदावरी नदी और ये सब है यानम के, बहुत प्यारे प्यारे लोकेशंस है जो आप लोग मूवी में जाएंगे तो देखने को मिलेगा, काफी अच्छा है। आप लोग हर सिनेमैटिक बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। हीरो हीरोइन का कैसा सपोर्ट था आप लोगों को? सुपर बहुत अच्छा सपोर्ट है। एक्चुअली हीरो हीरोइन तो मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब इतना मैंने जो भी काम किया है तो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस इसमें रहा, क्योंकि जो हीरो थे वो भी एकदम सच में भाई जैसा बिहेव कर रहे थे, पूरा फुल सपोर्ट कर रहे थे, हर एक सीन में छोटी छोटी चीजें बताना करके बताना, कि मतलब उतना तो मुझे नहीं आ पा रहा था सीन करने में जितना वो मुझे समझा रहे थे। सपोर्टिंग है, बहुत जॉली नेचर के, बहुत अच्छे, कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो हीरो है, वो हीरो बहुत बड़े स्टार सब लेवल के। बहुत शूट हो रहा था ऐसा लगा आपको कि हमें भोजपुरी छोड़ देनी चाहिए, हमें साउथ में ही मेहनत करनी? हाँ ऐसा लगा, ऐसा लगा, ऐसा लगा। साउथ मूवी सुपर मूवी समझ के बोलिए, क्योंकि अगर वहाँ नहीं मिला तो लास्ट में भोजपुरी। हम ये नहीं कह रहे भोजपुरी अच्छी नहीं है, हाँ भोजपुरी बहुत अच्छी है, भोजपुरी अच्छी है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज जो है ना साउथ का जो एक्शन है, जो जो सीन्स जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादा अच्छा है साउथ का, बहुत सुपर है। साउथ के लिए आप लोग ट्राई करें, 99% साउथ के लिए ट्राई। तो देखिए मैं तो हर चीज में ट्राई कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं स्पेशल एक पे फोकस कर रही हूँ, मुझे हिंदी भी करना है, भोजपुरी भी करना है और साउथ भी करना है। और भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, मैं गोरखपुर से हूँ तो भोजपुरी को, गोरखपुर से आपकी मेन लीड भी गोरखपुर से, सब कुछ डायरेक्टर का तो कुछ कनेक्ट, इवन मैं भी गोरखपुर। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं एक्चुअल तो यूपी का हूँ पर मैं हैदराबाद में 22 इयर्स हूँ आंध्रा में, तो वहाँ पे आपकी दोस्ती हो गई होगी गोरखपुर की पूरी टीम उठा के? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे डायरेक्टर सर क्या कर चुन के लिया उन्होंने, डायरेक्टर सर सबको, हाँ जैसा टैलेंट है। तीन लोग गोरखपुर से थे, ये थी मैं था और ऋतु जी थी, इसलिए इनका ज्यादा चढ़ा है ना हमारा तो नहीं। एक्चुअली हुआ क्या ना कि जो भोजपुरी है जो इंडस्ट्री है मोस्टली लोग गोरखपुर से ही आते हैं, चाहे वो एक्ट्रेस हो या एक्टर भी कितने सारे हैं ना, अंचल है उधर, तो सब वाराणसी गोरखपुर बिहार सब कनेक्ट है ना, तो इसलिए भोजपुरी एक्टर ज्यादा है उधर।
तो ये रीजन हो सकता है। अच्छा, इससे पहले आपने क्या किया था, कुछ अपना बताएंगे? थोड़ा सा वर्क की इंडस्ट्री इंडस्ट्री में आने के पहले पढ़ाई कर दी थी, फिर पढ़ाई करने के बाद एक्टिंग में इंटरेस्ट मेरा बचपन से ही था, सो मैंने सोचा कि मुंबई जाके ट्राई करना चाहिए। उसके पहले मैंने गोरखपुर में थिएटर वगैरह ज्वाइन किया, डांस क्लास किया, फिर मुंबई आ गई। और यहाँ आने के बाद सीरियल्स में ट्राई किया, भोजपुरी फिल्म में जितना बन सका ट्राई किया, और फिलहाल काम मिल रहा है। अगर भोजपुरी से भी हटके आपको कुछ मिलेगा तो आप उसमें कि पर्टिकुलर माइंड अपना प्रिपेयर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि मुझे हिंदी भी करनी है, भोजपुरी भी करनी है, साउथ में प्रोजेक्ट मिले तो वो भी करना है, उसके लिए भी मेहनत करूँगी। आप बताइए, सेम क्वेश्चन है। तो फिलहाल मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने इंजीनियरिंग किया है सॉफ्टवेयर से, तो फिर यहां क्या कर रहे हैं? एक्टिंग में इसलिए कर रहा हूं। अगर आप इंजीनियरिंग में लगाते तो शायद इंजीनियरिंग कौन से वाले, क्योंकि इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर तो एक करेक्ट, सॉफ्टवेयर आप रेडी कर दे चुके होते। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर रेडी कर चुके होते और इंजीनियरिंग करना वो मेरे को बहुत हेल्प करता है, ऐसा नहीं है। बनाया मैंने एक दो सॉफ्टवेयर छोटे एंड्रॉयड के लिए भी बनाया है, ऐसा नहीं है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर बनाया था मैंने। और इंजीनियरिंग के बाद फिर मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से। और एक्चुअली बेसिकली मैं आया था, ऑडिशंस दिए, कुछ रिस्पॉन्स खास नहीं मिला, एक दो एड मिले थे स्टार्टिंग में, देन मैंने फोकस किया फिर डायरेक्शन में, तो मैंने बहुत सारा डायरेक्शन में काम किया है। और डायरेक्शन में इस फिल्म में भी मैं एसोसिएट डायरेक्टर भी हूँ। हाँ, एसोसिएट डायरेक्टर था इस मूवी का। पढ़ाई एजुकेशन जो है आपकी वो टेक्निकल, टेक्निकली साउंड हूँ मैं उसकी वजह से। हाँ, यस यस यस, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँ, पढ़ लिख के इस फिल्म में भी, इस फील्ड में भी आओगे तो आप अच्छा करोगे, काफ़ी अच्छा उससे मेरे को रिस्पॉन्स मिलता है। पढ़े लिखे होने की वजह से बहुत चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, बहुत चीज़ें ईजिली कैच कर लेता हूँ मैं। सेम आपसे। हमारा सर तो मैन तो मेरा प्रोफेशनल बिजनेस है, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ हैदराबाद में, मतलब होम डिजाइनर, शोरूम, ये सब इंटीरियर डिजाइनर। तो मूवी नहीं, ये तो यहाँ पे डायरेक्टर सर के नीचे ही रहना पड़ता है। नहीं, क्या दिमाग में कीड़ा काटने लगता है कि होना चाहिए, यहाँ पे लाइटिंग ऐसे हो जाती है, थोड़ा सा कलर। नहीं, हमारे डायरेक्टर सर क्या है मालूम है, ऐसे आदमी है कि अगर जरा सा गलती देख लिए, जब नहीं बोलेंगे सेट पे, बाद में बोलते, बुला के हम गए भोजपुरी करने, हिंदी में अच्छा सुनाए, सब लाइन पे काम करने लगे फिर हम, क्योंकि अगर उसमें गाली भी बक देते होंगे तो समझ में नहीं आती होगी। नहीं, मुझे तो आता है, हम लोग के लिए टफ है, मेरा रिकॉर्ड है 22 ईयर से हैदराबाद में हूँ, आज तक गाली के सिवा तेलुगु आया ही नहीं। सिर्फ तेलुगु गाली सीख पाए, बस खाली गाली सीख पाए थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं आता है तेलुगु में। अच्छा, चलते चलते टीनों से कि ये दर्शक इस फिल्म को क्यों देखे, ऐसा क्या खास है जो इस फिल्म से लोगों के समाज, मतलब समाज में कुछ मैसेज जाए या उनके दिल को टच करे, एक सोशल मैसेज होता है फिल्म, तो ऐसा क्या है, बस दो लाइनों में इसमें देखिए, मतलब एक होता ना कि थिंकिंग जो होती है हमारी, कि हम कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कितने बड़े छोटे जो भी है, कैसी भी हमारी फैमिली है, अमीर है गरीब है, लेकिन मतलब पूरा फोकस ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसा है, मतलब हमारा बच्चा कैसा, मतलब वर्क करे बड़ा होके, कैसा उसका फ्यूचर ब्राइट हो, या मतलब जो भी फ्यूचर डिसाइड होता है। हाँ, तो ये है जो मतलब ऐसा कुछ है, मतलब कि बच्चों को कैसे ट्रीट करें, आगे चल के बच्चा आपका कैसा बनेगा, विलन बनेगा, हीरो बनेगा, या अच्छा इंसान बनेगा, तो यही मैसेज है इसमें। बच्चों पे भी असर करेगी ये फिल्म? हाँ, बच्चों पर भी, बड़ों पर भी, दोनों पर इफेक्ट करेगा। इसमें कहेगा कि बड़े लोग हैं तो कम से कम उन्हें बच्चों को केयर कर सकते हैं ये फिल्म देखने के बाद में, कि हमारा बच्चा अगर अच्छे के साथ रहेगा अच्छा बनेगा, बुरे के साथ रहेगा तो बुरा बनेगा, ये हमारी सोच है। ये फिल्म से, हमारी फिल्म से मैसेज गया है। एक छोटा बच्चा था जिसकी वजह से हमने दिखाया कि किस कोई पहले विलेन के साथ रहेगा तो विलेन जैसा हो जाएगा, हीरो के साथ रहेगा तो हीरो जैसा हो जाएगा, एक सोशल मैसेज गया हुआ है। कुछ आ रहा है आप लोगों का लास्टली, कुछ इसके बाद में, ये नहीं, इसके बाद में कुछ और वर्क है कुछ ऐसा जो? हाँ, अभी आगे है सर, मूवी है, अभी आगे मूवीज कर रहे हैं हम लोग, मूवीज चल रहे हैं। नहीं, साथ में तो नहीं कर रहे, अलग अलग कर रहे हैं। अभी मेरी फिल्म आ रही है, डायरेक्टर रवि सिन्हा जी हैं, तो शक्ति फिल्म का नाम है, अंजना जी हैं उसमें मेरा सेकंड लीड है, तो वो रिलीज़ होने वाली है, आई थिंक, मुझे डेट तो नहीं पता, फिर भी आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी।
मेरा एक अजय झा सर है, अजय झा डायरेक्टर है, उनके साथ फिल्म आ रही, दो फिल्में आने बैक टू बैक आने वाली टीवी पे, वैष्णवी साक्षी शंकर दोनों में एक्ट भी किया है, और मंजुल ठाकुर सर के साथ भी मैं कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ, उनकी फिल्में आने वाली है गोवर्धन। मेरा तो अभी नेक्स्ट मूवी सुब्बाराव सर के साथ ही है, क्योंकि मैं दूसरे डायरेक्टर का मूवी तो नहीं करता, ओनली सुब्बाराव सर का मूवी करता हूँ। डांट पड़ती है पर काम सीखने को बहुत कुछ मिलता है, इसलिए मैं तो 99% सुब्बाराव सर का ही मूवी करता हूँ और उनका ही करूँगा आगे चल के, क्योंकि इनसे बहुत सीखने को मिलता है, बहुत चीज़ समझने को मिलता है, और जो चीज़ नहीं आता है वो भी करा देते हैं। टेक्निकली मैं एज एन डायरेक्शन टीम में होने की वजह से, एसोसिएट इनका होने की वजह से मुझे बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला, बहुत अच्छा डायरेक्शन, हर चीज सीखने को हमको मिलता है, कैसा करना है क्या करना है, प्यार से अच्छे टाइम से करते हैं पूरा, और उनके बैनर तले जो भी मूवी बनती है हम आर्टिस्ट को कोई भी तकलीफ नहीं होता। इससे पहले हम 2018 में भी काम किए, काशी विश्वनाथ बोल के मूवी है रितेश पांडे के साथ में भी किए, वहाँ भी किए, कोई भी हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं, हर चीज में अच्छा, खाने में पीने में टाइम टेबल रहने का हर चीज अच्छा मैनेजमेंट है। नमस्ते, भोजपुरी बातों को धन्यवाद।